निको एवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चला होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, जैसा कि लास्ट आप लोगों ने सेशन देखा, जिस सेशन में हम लोगों ने जो है वो बहुत सारी चीजें कवर की थी कि ब्रांड अप्रूवल्स क्या होती हैं, ब्रांड अप्रूवल्स के टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, और उनको हमें सेटल डाउन कैसे करना होता है। इसके बाद जो है वो हमने जो वेरी नेक्स्ट चीज देखी थी, दैट वाज कि हमें प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। ये दोनों चीजें हमने जो है वो अपनी लास्ट सेशन में जो है वो देखी थी। फिर आज वाला सेशन जो हमारा था, इसमें हमें देखना था कि प्रोडक्ट की शिपिंग सेटिंग होती है, ठीक है। लेट्स सी, एक सप्लायर आपको प्रोडक्ट दे रहा है 2 डेज में और एक सप्लायर आपको दे रहा है 4 डेज में या 5 डेज में प्रोडक्ट शिप कर रहा है, तो उसको हमें कैसे सेटल डाउन करना है, उसके लिए हमें टेम्पलेट्स कैसे बनानी है और कैसे लेके चलना है। सो मैंने अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन किया है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जरा सेटिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, ये चीज अपने माइंड में रख लें, क्वेश्चन जब भी जहां पे भी हो आपके पास, आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वो फौरी आंसर जो है वो उसका मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का। खैर जी, हम लोग जो है वो चलते हैं, ये लेंगे हम अपने अकाउंट पे आ गए। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं अकाउंट में दिखाया गया, अच्छा जी इस तरह से सेलर सेंटर जो आपके पास होगा, इस सेलर सेंटर में जो है वो आपने जाना है एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में, और राइट कॉर्नर में आके आपके पास ये एक शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन होता है। ये जो है वो सेटिंग है और हेल्प और मैसेज, ये चार, एक सॉरी तीन जो है वो चीजें होती हैं जो आपके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में होती हैं। इनमें हमने ये हेल्प जो है वो सेटिंग, सेटिंग में जाके शिपिंग सेटिंग, जब आपने शिपिंग सेटिंग पे क्लिक किया तो आपके पास विंडो कुछ इस तरह की ओपन होती है। ये हमने डिफरेंट ऑलरेडी जो है वो बच्चों के लिए मैंने बना के उनको सिखाया हुआ था। तो दो चीजें होती हैं, या तो एक टेम्पलेट नया क्रिएट कर दें या टेम्पलेट को चेंज कर दें। तो बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप एक नया टेम्पलेट जो है वो क्रिएट कर दें। लेट्स सी, आज हम दो टेम्पलेट्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, उनको सेटल डाउन करते हैं। पहला जी शिपिंग टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं। सॉरी मैं पहले जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से एड्रेस चेंज कर देता हूँ पाकिस्तान में, कि मोस्टली लोगों को एड्रेस का इश्यू आएगा कि पाकिस्तान का जो एड्रेस होगा इसको आपने कैसे यूज करना और कैसे सेटल डाउन करना है। मुझे बस 1 मिनट टाइम जोन पर सेट कर देने के लिए। क्रंची, वेयर इज क्रंची, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया हमने। जब आपके पास पाकिस्तान का जो है वो एड्रेस होता है और उस पे आपका अकाउंट बना हुआ होता है, तो याद रखें वहां पे शिपिंग टेम्पलेट्स वगैरह में आपको ट्रांजिट टाइम जो होता है, डिलीवरी टाइम जिसको बोलते हैं, वो 14 to 28 days आएगा। इसको कैसे चेंज करना, ये सारी चीजें हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके जो है इस जो है वो क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट क्लिक किया और देन ओके कर दिया। आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। ये लेनी, ये हमारा जो है वो शिपिंग टेम्पलेट बन गया। इसको हम रख लेते हैं -YT1, कि YouTube वीडियो के लिए मैंने बनाया, मुझे याद रहे, ठीक है जी। तब आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि अप्रूव टू यूज, कि आप इसको यूज कर सकते हैं, पर आइटम रखें, ऑटोमेट शिपिंग पे नहीं जाएं। ऑटोमेट शिपिंग में आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगा। यहाँ पे देखें हमारे पास एड्रेस पाकिस्तानी है, सो हमारे पास स्टैंडर्ड शिपिंग आ रही है, और ये शिपिंग टेम्पलेट देखें हमें एडिट करने का डेज का टाइम नहीं दे रहा। और फिर उसके बाद अगर आपने कोई शिपिंग फी पर आइटम या पर LBs यूज करनी है, पर आइटम यूज करें अगर आपको करनी है एक्स्ट्रा आइटम्स के लिए, पहली आइटम जो है वो उस पर फ्री शिपिंग दें, ठीक है जी। देन अगर आपको करनी है तो आप यहाँ कर लें, नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी जो है वो प्राइस में इंक्लूड करें। ये देखें, ये कुछ जो है वो हमें स्टेट्स बता रहा है और दोनों में सेम टाइम फ्रेम बता रहा है, बट यहाँ पे कह रहा है कि ये ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे आपको ये शिपिंग टेम्पलेट में ऐड करेगा अमाउंट। हम इसको 0-0 करेंगे, दोनों को हमें नहीं ऐड करनी। फिर नीचे आते हैं और यहाँ से आपने देखना है एक्सपीडियट शिपिंग, आप पाकिस्तान से रहते हुए ऑफर नहीं कर रहे, अगर आप USA में हैं तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको डे चेंज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि आप 3 to 5 पे चले जाएं, और वो कह रहा है $8.99 आप पर डे उस पर जो है वो कॉस्ट कर दें अगर आपको जो है वो इसको लेके जाना है और सेटल डाउन करना है। पर आइटम एक्स्ट्रा भी अगर ऐड करना चाहे $1, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 डेज डिलीवरी, बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग जॉब शिपर आपको जो है वो ये 2 डेज डिलीवरी ऑफर नहीं करनी, तो आप इसको अनचेक कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे, ये नहीं अनचेक। वनडे भी हम नहीं करेंगे और ना ही हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी हम दोनों की दोनों ऑफर नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये सेटिंग्स आपकी होगी।
देन आपने क्या किया, यहां से इसको कर लिया सेव। ये एक टेम्पलेट आपका जो है वो रेडी हो गया YT1 का, ठीक है नहीं? अब सेकंड टेम्पलेट भी बनाएंगे तो सेम बनेगा। अब हमें दोनों में टाइम फ्रेम्स को चेंज करना, ये 14 to 28 days को स्टैंडर्ड जो है वो इनको चेंज करें, हमें 3 to 5, 3 to 4 या 5 to 8 days की ऑप्शन चाहिए, वो कैसे मिलेगी? उसके लिए सबसे पहले आपने ये अपना टेम्पलेट सिलेक्ट कर दिया, देन आया आप जर्नल सेटिंग में। यहाँ पे आपको एड्रेस यूएस का ऐड करना, याद रखें किसी का भी एड्रेस आप ऐड नहीं कर सकते, कहीं से बाय करें एड्रेस और उसको ऐड करें, अगर नहीं अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, हम आपको आपको जो है अपने वेयर हाउस का एड्रेस भी दे सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हमारे, आप जिस स्टेट से आपकी एलएलसी होगी हम वहां पे आपको जो है वेयर हाउस का एड्रेस ऑफर करवा देंगे, ठीक है जी। उसको यूज कर लें, क्यों? इस एड्रेस पे ये जो आपने यहाँ पे एड्रेस लगाना है, इस एड्रेस पे क्या होगा कि आपको रिटर्न आएगा, अगर कोई रिटर्न आएगा तो अगर वो इस एड्रेस पे रिसीव नहीं होगा तो वो वापस चला जाएगा टुवर्ड्स अमेजोन, और उससे भी लोगों के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, याद रखें, क्यों कि वैलिड एड्रेस नहीं होता, इस वजह से अमेजोन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। आपने यहाँ से एडिट किया और ये हमने दो तीन जो है वो किए हुए, ये लेंगे हम, सॉरी ये तो कनाडा के लिए हमने बनाया था, ये हम डबल ए होम स्टोर का लगा देते हैं, ये जी हमारा जो है वो एक न्यू जर्सी में क्या है जो है वो स्टोर, उसका हमने दे दिया, इसको हमने सेव किया, ये ले जी वेयर हाउस का एड्रेस हमने सेव कर दिया। जैसे हमने इसको सेव किया और देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस चेंज हो गया, नीचे ऑटोमेटिकली न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम उसने ले लिया जो न्यू जर्सी के साथ अटैच होता है, ठीक है जी। फिर आपने जाना है ऑर्डर फुलफिलमेंट सेटिंग पे, यहाँ से इसको जो है वो एडिट करें और कुछ चीजें यहाँ से ऐड कर दें। अगर आप जो है वो ऑर्डर कट टाइम को 2 PM रखें, इट्स मच बेटर, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन बेहतर है कि आप 2 या 3 PM रखें, क्यों? अगर आज 2 PM के बाद, लेट सी यूएसए में अभी अगर 2 PM है, इसके बाद अगर मुझे ऑर्डर आता है तो वो नेक्स्ट डे में मेरा ऑर्डर कंसीडर होगा, तो ये मुझे फायदा मिल जाता है, हमेशा ऑर्डर प्लेसमेंट में भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये 2 PM रखें या 2:30 कर सकते हैं, मैक्स आप 3 तक जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जाएंगे, एक चीज। देन आप नीचे आएंगे तो वीकेंड सेटिंग्स होगी, सैटरडे नो पिकअप और संडे नो पिकअप, याद रखें सैटरडे संडे दोनों में हम नो पिकअप को जो है वो सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे, ये देखिए। जैसे आपने इसको सेव कर दिया तो ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कट ऑफ टाइम हमारा आ गया 2:30 PM, ठीक है, नॉर्मल डेज में, ठीक है, और ऑपरेशनल डेज उसने बता दिए कौन कौन से हैं, टिल फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है जी। देन आप जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो सैटरडे संडे को कह रहा है सिर्फ वीकेंड की जो ऑलरेडी वीक की डिलीवरीज होंगी वो हमें करना होगी, सैटरडे संडे नो पिकअप, ठीक है जी। नीचे कोई भी फीचर्स वगैरह और हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम को यहाँ से एडिट करके, ये डिफॉल्ट 1 डे होता है, आप 2 डेज करना चाहें कर सकते हैं, 1 डे भी रखना चाहें, सेम डे भी रखना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप 1 डे रखें और इसको यहाँ से सेव कर दें। नीचे आता है ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी, ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है कि अगर आप नए ड्रॉप शिपर हैं, आपको लगता है कि मैं 10 से ज्यादा ऑर्डर एक दिन में फुलफिल नहीं कर सकूंगा, शिप नहीं कर सकूंगा, तो आप यहां से एडिट पे जाएंगे अगेन, जहां से हमने जो है हैंडलिंग टाइम को एडिट किया, आप ये कैपेसिटी जो आपकी है इसको आप करेंगे 10, ये लेकिन इसको आपने जैसे 10 किया और इसको सेव कर दिया, तो याद रखिए आप 100 प्रोडक्ट भी लगाएंगे तो 10 से ज्यादा ऑर्डर आप लोगों को नहीं आएंगे विद इन 1 डे। तो आप इजीली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जो है ये हैंडलिंग को ऐड कर सकते हैं कि आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो पर डे की क्या है और आप कितने ऑर्डर्स को जो है वो हैंडल कर सकते हैं एट अ टाइम। तो वो 10 इज मोर देन इनफ, 5, 10, 20 इससे ज्यादा नहीं जाए अगर आप सिंगल पर्सन है तो। यहाँ पे जो है वो हॉलीडेज भी आपको बता रहा, जो ऑफिशियल हॉलीडेज हैं ये भी सारे ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। अब हम जाते हैं शिपिंग टेम्पलेट में। जैसे हम शिपिंग टेम्पलेट में गए और यहाँ से हम आते हैं वाई टी वाला जो हमने बनाया था, इसमें आप देखें ऑटोमेटिकली डेज चेंज हो गए। जैसे हमारा एड्रेस चेंज हुआ यहाँ पे डेज चेंज हो गए, ये देख रहे हैं 2 to 4 days, 2 to 3 days, 5 to 8 days, ठीक है जी। ये करंट न्यू जर्सी से हम हैं तो इसलिए हमें 2 से 3 दिन में वहां पहुंचाना चाहिए। इनको हम जैसे मर्जी ऐड कर सकते हैं, लेट्स सी, मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट टेम्पलेट पे जाते हैं, सॉरी अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखें जैसे यूएस का है तो फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी को जो है वो आप सिलेक्ट कर लें और जो है
उसको सेटल डाउन कर सकते हैं। जैसे आपने फ्री इकोनॉमी किया तो ये नीचे कुछ है, सम ओरिजिन डज नॉट असाइन ट्रांजिट टाइम, ओके ठीक है। वो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो 49 के 49 रीजन्स में जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें को और आपने चेक करना है तो कर सकते हैं, एंड न्यू शिपिंग रूल भी आपने करना है तो वो भी यहाँ से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ले, हम ये सारे इनको ऐड कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम सेलेक्ट, ये ले। फ्री इकोनॉमी में आपके पास जो है शिपिंग के पैसे ऐड करने की ऑप्शन ही होगी, लेकिन फ्री शिपिंग होगी इकोनॉमी में। डेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 to 5, 4 to 8, 5 to 10। हम 3 to 5 करते हैं और अगेन 4 to 8 कर देते हैं, ये थोड़ी सी दूर वाली है जो न्यू जर्सी से हैं। इन दोनों को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। पहली चीज, दूसरी चीज क्या आते हैं, हम स्टैंडर्ड शिपिंग में आते हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड शिपिंग में अगेन 2 to 4 days इट्स मोर देन इनफ, और देन 2 to 3 days जो आपकी मेन स्टेट है, और जो थोड़ी सी दूर है, दोनों की दोनों 3 है, ये थोड़ी सी दूर है, यहाँ पे आप 7 to 14 days भी कर सकते हैं, लेकिन 5 to 8 days आर मोर देन इनफ। अब ये डेज काउंट कैसे होते हैं, जहाँ पे आपको मेन नए बंदे को इशू आता है कि भाई ये डे होंगे क्या, आपके पास आज ऑर्डर आया है तो आपको 4 days ट्रांजिट टाइम के अगले बंदे को डिलीवर करने के, ठीक है। 4 days ये एंड प्लस 2 days आपका जो हैंडलिंग टाइम है वो बेसिकली 3 days होता है। क्यों, आज अगर ऑर्डर आया तो कल और परसों 2 दिन आपको हैंडलिंग टाइम में दिए जाते, सेम डे नहीं होता उसमें, ठीक है। तो समझ ले के 3 वो और 4 ये, तो आपके पास 7 days होते हैं एक बंदे को ऑर्डर डिलीवर करने में। तो अगर 7 days है इट्स मोर देन इनफ, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आपने बस इसको अच्छे तरीके से सेटल डाउन करना है। क्या हमने 2 to 4 कर दिए, 2 to 3 days कर दिए, ये मिनिमम डेज पे जाते हैं हम, 2 to 4 days ही सब में चले जाते हैं, अराउंड 7 days मिलने के यूएस में पड़ जाते हैं। एक्सपीडिएट शिपिंग विद इन डे जो, या जल्दी वाली शिपिंग जो है, आप यहाँ से जो है वो 3 to 5 की बजाय 2 to 4 कर सकते हैं, 1 to 3 भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 days ये और 2 days वो, मतलब आपको 5 days में जो है वो शिपिंग देनी है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ इसमें कॉस्ट कर सकते हैं, अगर इंक्लूड करना चाहें। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको जो है वो अनचेक कर दें, और ड्रॉप शिपर के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है तो आप इसको 2 to 4 days कर दें और यहाँ से शिपिंग फीस 0 कर दें, या पर आइटम वाली कुछ रहने दें, या इसको भी आप 0 करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि डेज सेम है, ऑर्डर आपके ज्यादा हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। देन हम इसको जो है वो सेव कर देंगे यहाँ से, अगर आप सेव करना चाहेंगे इन सेटिंग्स को। ले जी, एक टेम्पलेट वो बन गई हमारे पास, जहां पे जो है वो हमारे पास एक बंदा है जो 3 to 5 days ये, 5 days ये और 3 days अलग, 2 days लेट्स की अगर हम काउंट करते हैं तो 7 days यहाँ पे, 10 days यहाँ पे, तो मतलब वो, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 to 7 days यहाँ पे देता है। अब अगर हमें एक जो है वो लेट्स सी वॉलमार्ट टाइप हमारे पास कोई बड़ा सप्लायर है जो पैकेजिंग नहीं भेजता, हम इस तरह की प्रोडक्ट्स वहां से उठा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको जो है वो करेंगे और ये नेम रखेंगे हम, इसको हम फास्टेस्ट कर देंगे, फास्टेस्ट YT2, ये नहीं जी, मैंने बस एक ऐसे नाम इसको दे दिया, ये अप्रूव्ड है ऑलरेडी, नहीं है इस नेम से, दैट्स व्हाई। देन आप इसको क्या करेंगे, देन हम इसको क्या करेंगे कि आप यहां से आएंगे और फ्री इकोनॉमी में आप जो है वो शिपिंग देंगे 3 to 5 days की, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड में आते हैं, स्टैंडर्ड में हम देंगे 2 to 3 days की, और अगेन यहाँ से 2 to 3 days की, और ये जो है वो आप 2 to 4 days की कर देंगे, ठीक है। ये समझ लें कि बहुत स्पीडी शिपिंग आपकी जो है वो हो जाएगी। एक्सपीडिएट पे भी हम जो है वो 2 to 4 days ही रखेंगे कि अगर एक्सपीडिएट पे भी कोई आता है, और यहाँ पे भी 0 कर देंगे। ये तरीका होता है कि आपको जो है वो शिपिंग रूल्स अपने जो है वो रख देने, 2 days को खत्म कर देंगे यहाँ से हम, कि हम कोई 2 days नहीं देंगे, 1 day नहीं ऑफर करेंगे, एक्सपीडिएट सिर्फ करेंगे, ठीक है जी। ये लें जी, हमने सिर्फ इसको सेव कर दिया। तो याद रखें हमारे पास अभी 2 templates होगी, एक 1 और एक 2, एक फास्टेस्ट है, एक टाइम लेती है। तो आप ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स उसको असाइन कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट को, कि भाई आपके लिए ये है या आपके लिए ये चीज है। ये इस तरह से आपको जो है वो अपने शिपिंग टेम्पलेट्स को बनाना होता है और उसको सेटल डाउन करना होता है। मैंने इसलिए आपको लाइव करके दिखा दिया कि आपको पता होगा मैंने अपनी शिपिंग कैसे बनानी है,
उसके कैसे एक दो तीन चार पांच टेम्पलेट 10 टेम्पलेट्स भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इवन तो पाकिस्तानी ड्रेस की भी एक टेम्पलेट्स अगर आप अलग से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा उस पर। होप्सो ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा और काफी नई चीजें इसमें आपको सीखने को मिली होंगी। बाकी हमारा जो है वो नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी किस्म के भी कोई इश्यू आ रहे हैं उसको सेटल करने में, एड्रेस चाहिए हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।